हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज हमारे घर पे बनने जा रहा है ब्रेकफास्ट में किरमुआ का भजिया। भजिया मतलब पकौड़ी। तो हम आपको दिखाएंगे किरमुआ क्या होता है। एक पत्ता होता है जो कि ताल में पाया जाता है, तो उसी का बनेगा भजिया। और भी आपको बहुत कुछ दिखाएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिए एंड तक। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो ये देख सकते हैं पत्ता, ये पत्ते का नाम है किरमुआ और ये ताल में पाया जाता है। ताल में पाया जाता है, ताल मतलब एक नदी के जैसा रहता है, उसके अंदर पाया जाता है ये किरमुआ, इसको बोलते हैं। तो इसका पकौड़ी बनेगा हमारे घर पे। तो इसको बारीक बारीक काटना पड़ता है और यहाँ पे देखिए काट के रखे हैं यहाँ पे इतना ज़्यादा। तो इसको बारीक बारीक काटने के बाद में इसको बेसन में मिक्स करके इसका बनेगा पकौड़ी। और यहाँ पे चाय उबल रही है, देख सकते हैं। तो चाय में अभी अदरक डाल दिए हैं और काली मिर्च डाल दिए हैं। अभी इसमें तुलसी का पत्ता डालना है और एक जरकुस आता है, ग्रीन पत्ता रहता है लंबा लंबा, वो भी डालना है। तो लाना है, बाजू में है, हम लोग लगाए हैं तुलसी का पत्ता और ग्रीन पत्ता। तो डालेंगे तो चाय बहुत अच्छी बनती है। ये जरकुस का पत्ता है, इसको चाय में डालेंगे तो बहुत अच्छी चाय बनती है। तो हम लोग घर पे लगा के रखे हैं, तो देख सकते हैं। और यहाँ पे तुलसी का भी पेड़ है, इसका भी पत्ता तोड़ेंगे कि यहाँ पे है और एक इधर है। तो ये तुलसी का झाड़ है, यहाँ से तुलसी का पत्ता तोड़ लेंगे उसको चाय में डालने के लिए। तो ये है जरकुस का पत्ता, हमने तोड़ के लाया अभी वहाँ से। और ये है तुलसी का पत्ता, तो देख सकते हैं अभी इसको चाय में डालेंगे। तो ये जरकुस का पत्ता हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिया है, अब इसमें डाल देंगे। इससे चाय बहुत टेस्टी आ जाती है। और इसमें देखिए बेसन डाल रहे हैं, उसको मिक्स करके फिर बनेगी पकौड़ी। अभी हम पीने जा रहे हैं नींबू पानी। पानी को गुनगुना करके रखे हैं और ये नींबू काट के रखे हैं, मॉर्निंग टाइम में पीना चाहिए। तो ये नींबू पानी है, गुनगुना पानी में नींबू डाल के इसको पियेंगे, उसके बाद भजिया बनेगी, चाय के साथ में हम लोग खाएंगे उसको। चाय देखिए कैसे उबल रही है, चाय लगभग हो चुकी है। और इधर पकौड़ी का काम चालू है, इसमें नमक डाल दिए हैं, हल्दी डाल दिए हैं, अब इसको मिक्स करेंगे। तो अभी हम आ गए छत के ऊपर अपने, यहाँ से आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। और धूप कितना तेज है, देख सकते हैं। और पीछे ताड़ गोला का झाड़ है, उसमें फल आ गए हैं और उसमें से ताड़ी भी निकलता है। इस समय ताड़ी का सीजन चल रहा है। ये बादाम है, हमने रात को भिगा दिया था इसको पानी में, और इसको अभी छिलका निकाल के हम खाएंगे। छिलका निकाल के खाना चाहिए। बादाम देखिए छिलके खा रहे हैं, बादाम को छिल लिए, देख सकते हैं कैसा दिख रहा है। अभी छिलका यहाँ पे सब पड़ा है। बादाम को छिलके ही खाना चाहिए रात को भिगा के, क्योंकि छिलके खाएंगे तो छिलका निकाल के, छिलके में टैनिन नाम का एक तत्व पाया जाता है, तो निकाल के खाएंगे तो अच्छा रहता है। तो हम लोग बिना रात को भिगा देते हैं इसको, सुबह में ऐसे ही खा लेते हैं मॉर्निंग टाइम में। वीडियो देखते हो क्या हो रही है?
तो फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट हो गया हम लोग का, और हम हमारे घर के सामने यहाँ पीछे बहुत सारी सब्जियाँ लगाए हैं। क्या क्या लगाए हम आपको सब दिखाते हैं अभी। और यहाँ पे लौंग का पेड़ भी है, इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था हमने लौंग का पेड़ का, तो काफ़ी टाइम हो गया, अभी दिखाते हैं कितना बड़ा हो गया ये। और यहाँ पे मूली का है और पालक है, टमाटर है, सब कुछ दिखाएंगे आपको। तो ये देखिए लौंग का पेड़ कितना बड़ा हो गया है, तो दो पेड़ है इसका, और तो इसकी पत्तियाँ देख सकते हैं कैसी है। अभी इसमें लौंग आया नहीं है, लेकिन काफ़ी घना हो गया है। एक इधर यहाँ पे है, तो पहले एक ही पेड़ था, उसको बीच में से टूट गया था तो उसको हमने लगा दिया था। इसका तो डाल तोड़ के लगाएंगे तो लग जाता है इसका, इसको बीज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कहीं से अगर यहाँ से तोड़ के मिट्टी में लगा देंगे तो ये जाम जाता है। तो लौंग का पेड़ देख सकते हैं कैसे है, और यहाँ पे भिंडी का पेड़ है, भिंडी है, टमाटर है, तुलसी का पेड़ है, जरकुस है। तो ये भिंडी का देखिए, अभी इसमें भिंडी इतनी 3-4-5 भिंडी आ गई है। इसमें देखिए फूल आ गया है। और ये मिर्ची है, तो यहाँ पे दो टाइप के मिर्ची का पेड़ है, एक लंबी वाली मिर्ची है और एक गोल वाली। और टमाटर देख सकते हैं लाल लाल हो गए हैं, पक गए हैं, तोड़ने लायक हो गए हैं, और ये कच्चा है। तो सब मिक्स है, इसमें भिंडी है, मिर्ची है, और सामने तुलसी का झाड़ है जो हम लोग चाय में डालते हैं पत्ता, अभी चाय बनाए थे तो डाले थे यहाँ पे। तो ये मिर्ची एक लाल वाली है, एक लंबी वाली है, ये देखिए ये मिर्ची लंबी लंबी है, और एक ये दूसरा वाला झाड़ है, और ये मिर्ची देखिए ये देखिए ये गोल वाली मिर्ची है, गोल वाली, और ये लंबी वाली। तो हमारे यहाँ पे दो टाइप की मिर्ची का पेड़ है, लाल और गोल। और ये देख सकते हैं ये मूली का झाड़ है, इसमें कीड़े कितने ऊपर से रेंग रहे हैं। और ये मूली है, इसको उखाड़ते हैं, ये देखिए कितनी बड़ी हो गई है। तो खाने के लिए लगा दिए थे ऐसे, यहाँ पे लाइन से देख सकते हैं मूली है, इधर सब पूरा मूली है। और ये पालक का पत्ता है, ये है पालक जिसका साग बनाते हम लोग। और ये देख सकते हैं रिकवच का पत्ता है, इसका सहीना बनता है, सहीना बना के खाते हम लोग। तो यहाँ पे लगा दिए हैं, ये देखिए टमाटर सड़ गया है, और ये जरकुस का पत्ता जो हम लोग सुबह में चाय में डाले थे हम, वही है जरकुस। तो चाय में डालते हैं, चाय बहुत टेस्टी आ जाती है। और ये देख सकते हैं ये भी एक साग है, इसका हम लोग साग बनाते हैं, भजिया इसका भी बनाते हैं। इसमें देखिए फूल आ गए हैं, और ये तुलसी का झाड़ है। तो दो पेड़ है तुलसी का यहाँ पे, एक इधर है एक इधर है। भिंडी में देखिए फूल कितने अच्छे आ गए हैं, फूल कितना अच्छा लग रहा है इसका। तो यही सब यहाँ पे सब्जी लगाया गया है, तो यहाँ पे जगह खाली है तो हम लोग लगा देते हैं खाने पीने के लिए। तो भिंडी भी निकलती रहती है यहाँ से खाने के लिए, टमाटर निकल जाता है, मिर्ची भी निकल जाती है। और ये लौंग का पेड़ है, तो अभी इसमें लौंग आया नहीं है, और बड़ा होगा तो आएगा लौंग। तो ये सामने घर बन रहा है, और ये पुराना घर हमारा है, और वो दूसरा वाला नया अभी बन रहा है, काम चालू वहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सब है ये सब।
तो यहाँ पे एक टमाटर पक गया है, इसको तोड़ ही लेते हैं। और एक यहाँ पे है, तोड़ेंगे नहीं तो सड़ जाता है। देखिए मिट्टी में टच देता है तो खराब होने लगता है, तो ये खराब हो गया इतना, और ये एकदम अच्छा है। टाइम पे नहीं तोड़ेंगे ना तो खराब हो जाता है। तो मूली भी ऐसे टाइम पे नहीं निकालेंगे उसको तो भी खराब हो जाएगी। ये मूली, ये मिर्ची, तो फ्रेंड इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।